पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एक दिवसीय दौरे पर आज रायबरेली पहुंचे हैं। हम आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सपरिवार आज रायबरेली पहुंचे हैं। उनके रायबरेली पहुंचने पर रायबरेली जिलाधिकारी हर्षिता माथुर व एएसपी नवीन सिंह के द्वारा उनका स्वागत किया गया। हम आपको बता दें कि अपने निजी कार्यक्रम के चलते आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रायबरेली पहुंचे हैं। हम आपको बताते चले कि आईटीआई गेस्ट हाउस में आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे हैं, जहां पर डीएम और एएसपी के द्वारा उनका स्वागत किया गया। साथ ही यह बताया जा रहा है कि उनकी बेटी के ससुराल पक्ष में आयोजित मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। इस अवसर पर डीएम हर्षिता माथुर, एएसपी व समेत तमाम आला अधिकारी उपस्थित रहे। एसएमए न्यूज के लिए मैं गौरव द्विवेदी, रिपोर्टर अनुपम मिश्रा के साथ। श्रीमान गार्डनर छटको तैयार है। संतरी खड़े रहे। साथ साथ चुनाव हुए, उसके पश्चात कुछ विधानसभाओं में कुछ विकृतियां आ गई, उनका समय पहले समाप्त हो गया, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, इसलिए वो समय अवधि समाप्त हो गई। इसके परिणाम जो देखे गए और इस पर बहुत सारी समितियों की रिपोर्ट आई है, पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आई है, नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, भारत के चुनाव आयोग की रिपोर्ट आई है और कई समितियों की रिपोर्ट आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन की जो परंपरा है वो फिर लागू होनी चाहिए। भारत सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी नियुक्त की है, उसका मुझे चेयरमैन बनाया है और उसमें और भी हमारे सदस्य हैं। हम सब लोग मिलकर के और जनता के साथ मिलकर के एक वाया मीडिया कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार को सुझाव देंगे कि किस प्रकार से इसकी हम इसको इस प्रथा को पुनः लागू कर सकते हैं। मैंने सभी जितने भी राष्ट्रीय रजिस्टर्ड दल हैं उन सबसे भी संपर्क किया है, उनके सुझाव मांगे हैं और कभी न कभी हर राष्ट्रीय राजनीतिक दल ने इसकी इसका समर्थन भी किया है। कुछ दल हो सकते हैं लेकिन हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वे आप हमें सकारात्मक अपना सहयोग हमें इसमें दीजिए, क्योंकि इससे देश का हित है, ये एक राष्ट्रीय हित के मुद्दा है, इसमें किसी भी राजनीतिक दल का कोई लेना देना नहीं है। एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, आप बड़े विद्वान मीडिया के लोग हैं, आप इस पे सोचिएगा कि ये प्रथा यदि लागू होती है तो उसका जो भी केंद्र में राजनीतिक दल सत्ताधारी दल होगा उसको फायदा होगा, वो चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या दूसरे राजनीतिक दल हो, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है और उससे सबसे बड़ा जो फायदा होने वाला है वो आम जनता को होने वाला है। वो जितना रेवेन्यू जो आएगा, जितनी बचत होगी जाकर के, वो आपके विकास कार्यों में लगाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।